हमें हमारा सीमा का तो कोई इशू ही नहीं, हम सीमा को तो, जो मेरा क्लाइंट है गुलाम हैदर, सीमा को तो लेना हमारा कोई मकसद है ही नहीं। सीमा को जी तो एपी सिंह उसका भैया संभाले, सचिन संभाले, कोई संभाले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा तो इतना है कि जो क्राइम बिना मैरिज के, जो सेकंड मैरिज की है, जो 494 सेक्शन बनती है, और जो धोखाधड़ी की गई है एफिडेविट में, जो है ना फर्जीवाड़ा किया गया है, जो 420 सी बनती है, 467 और 478, 467, 68, 478, 420, 406 आईपीसी जो बनती है, 494 जो बनती है, और ये डॉक्यूमेंट्री जो फ्रॉड किया गया है, और फॉरेन एक्ट का जो सेक्शन 14A का वायलेशन किया गया है, 212, 176 का वायलेशन किया गया है, तो इन सारी चीजों में हम उनको सजा कराएंगे, जैसे ट्रायल चार्जशीट पेश होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, क्यों नहीं चार्जशीट दे रही। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब थोड़ा अभी थोड़ा दिन और देख रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं इसको उत्तर प्रदेश से जो है कोशिश करूंगा कि ये हरियाणा में ये केस आए, और जो है ना इस पे फिर अलग सिरे से, नई सिरे से जांच हो, और इसको जो है ना फटाफट वो चालान पेश करके इसके ट्रायल शुरू करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है, कुछ इसको चार्जशीट दे ही नहीं रही है, इसकी देना चाहिए, इतना टाइम हो गया उनको। तो ये चीज चार्जशीट है। तो बहुत लंबा समय खिंच गया है सर। आपको नहीं लगता कि एक एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, कितने बड़े बड़े हाईलाइटेड मामलों में आ चुका है, वो बैठ के ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देता है कि यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। इसका मतलब फिर जो आने वाले भविष्य में इलीगल इमिग्रेंट हमारे देश में आएंगे, तो ये उनकी तरफ इशारा है कि सब आ जाओ, सबके लिए पी सिंह तैयार खड़े हैं। सर उनके स्टेटमेंट पे लोग यकीन भी करते हैं, कई बार लोग परेशान भी हो जाते हैं, कमेंट्स भी करते हैं कि अगर एपी सिंह कह रहा है तो शायद हो जाए, एपी सिंह कह रहा है तो शायद हो जाए। अरे वो इतना बड़ा वकील है सुप्रीम कोर्ट का, वो ऐसे थोड़ा ही ना कह रहा होगा सर। ये बहुत भटकाने वाली चीजें हैं। एपी सिंह को हदीस कोई है, जो वो कह देगा वो पूरी हो जाएगी। एपी सिंह को हदीस, वकील यार, वकील ही तो है। जैसे आप वकील हो अमिता जी, जैसे मैं छोटा सा वकील हूं, जैसे आप वकील हैं, ऐसे वो भी वकील है। एक वकील कह दे तो पत्थर पे लकीर कोई है, वो हदीस कोई है। अरे 100 वकील फिर हैं ऐसे ऐसे, करोड़ों वकील हैं ऐसे ऐसे। देखो बच्चों का स्कूल में एडमिशन होना, एक देखो बच्चे इधर फिर रहे हैं उधर फिर रहे हैं, उससे बेहतर है एडमिशन हो गया, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो बच्चों को शिक्षा ही मिलेगी, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो अच्छी जी बात है, बच्चों का एडमिशन हो गया। और टिल देन, जब तक वो बच्चे लिए जाएंगे, टिल एजुकेशन ले, जब तक वो बच्चे उनसे लिए जाएंगे, तो आवारा ना फिरे, इधर उधर ना जाए, और सब स्कूल जाते हैं तो वो क्यों ना जाए, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। बच्चों को एजुकेशन मिलना अच्छी बात है, ट्यूशन भी जा रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, उससे हमें कोई अच्छी बात का हम स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी जुडिशियल ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कभी भी बाईपास नहीं कर सकता। जो जुडिशियल ऑर्डर है वो जुडिशियल ऑर्डर हमेशा सुपीरियर है। और ये जो किसी, हो सकता है इन्होंने किसी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको, जो डीएम है उनको परमिशन मांगी हो जी, स्कूल को अनुमति प्रदान करे कि भाई जब तक इसका कोई फैसला नहीं होता इनको पढ़ा जाए, तो वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी होगा। वो हम अभी आरटीआई लगा करके ऑर्डर ले लेंगे, हम पता कर लेंगे कि अभी किस ऑर्डर के तहत जो ना क्या हुआ है, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा, तो वो जी सर, टेम्परेरी है। टिल देन द डिसीजन ऑफ द केस, टिल देन द डिसीजन ऑफ द ट्रायल, तो वो टेम्परेरी है ताकि बच्चों को एजुकेशन मिल सके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब कोई जुडिशियल ऑर्डर पास हुआ है, तो जुडिशियल ऑर्डर पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कभी टिक नहीं सकता, सामने नहीं आ सकता, वो हमेशा एग्जीक्यूट वही ऑर्डर होगा जो जुडिशियल ऑर्डर है। तो जब जो ऑर्डर हो चुका है बच्चा लेने का, सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को भी ऑर्डर जा चुके हैं, तो हम भी अभी थोड़ा ही छूट इसलिए कर रहे हैं कि अभी जैसे गुलाम हैदर आ जाए तो तुरंत हम उस पे फौरन उसको एक्शन करा दें। उत्तर प्रदेश सरकार को ऑर्डर जा चुके हैं, तो किसी भी दिन कभी भी ये बच्चे जो है वो कस्टडी में लिए जाएंगे अपनी, और उनको सरकारी संरक्षण में रखा जाएगा, और फिर बाद में वो गुलाम हैदर को सौंपा जाएगा, या इनको डिपोर्ट उसके साथ ही किया जाएगा, ये बच्चों को डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि इस पर तो मुकदमे हो गए बहुत सारे, एक ट्रायल हो गया, बहुत सारे मुकदमे हमने कर दिए हैं, तो उनका ट्रायल भुगतने में इसको 10 साल लगे, 5 साल लगे, कितना टाइम लगे, कितना दिन ये जेल में रहे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये बच्चे तो पोजेशन में लिए ही जाएंगे, इनकी कस्टडी तो सरकार लेगी ही लेगी, जरूर लेगी। एक क्वेश्चन ये है कि आप स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं, तो बच्चों को आप भी ले सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, मैं ले कस्टडी तो ले सकता सकते हूँ,
ले सकता हूं और मैं आपसे पहले ले भी लेता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन देखिए, मैं सबसे बड़ी बात है अमिता जी कि मैं ऐसा नहीं है कि भाई अगर मेरी किसी से दुश्मनी है या मैं किसी के खिलाफ मुकदमे लड़ रहा हूं तो मेरा कोई निजी दुश्मनी है उससे या निजी मुझे कोई उसको नुकसान पहुंचाना है। नहीं, मैं इंसाफ की बात करता हूं। अगर मेरे परिवार के किसी सदस्य ने भी गलत किया है, मैं उसके साथ में नहीं हूं, जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ हूं। मेरी ऐसी सोच अमिता जी है, तो लेने को तो मैं ले सकता हूं, लेकिन चूंकि मैं इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि देखिए मेरे केसेस बहुत बड़े दूर दूर लगे रहते हैं, उन बच्चों की केयर करने के लिए भी फिर जो है कोई ना कोई जो उन बच्चों को जानता हो ऐसा व्यक्ति की जरूरत है। तो तब तक वो अपनी तब तक उसका फादर आने वाला है, तो वो जैसे ही आएगा तो हम ले लेंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ले लेता हूं तो मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और क्योंकि मैं किसी पे भरोसा नहीं करता हूं बच्चों के मामले में खासकर, तो फिर सारी चीजें मुझे खुद ही करनी पड़ेगी उनको। तो हालांकि परिवार में और बच्चे भी हमारे, उनके साथ वो अच्छी तरह रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब तक गुलाम हैदर ना आए तो वो अपनी माँ माँ के पास है तो रहे, कोई दिक्कत नहीं। जब जैसे गुलाम हैदर आने वाला होगा हम बच्चों की पोजीशन ले लेंगे उनसे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक जी वो सर, देख और रेख तो सर कर रही है ना, गुलाम जब माँ तो वो भी है ना भाई। हम ये नहीं कह, हाँ देखो उसकी वो बाप का दर्जा गुलाम हैदर का वो छीन ले 100 बार, लेकिन हम उससे माँ का दर्जा तो नहीं छीन रहे। माँ तो वो भी है ना उसकी, उन बच्चों की माँ तो है, आखिर पेट में रखा है उनको, पैदा किया है, और चाहे वो कैसे भी दिमाग की है, कैसी भी है, अच्छी है बुरी है वो क्वेश्चन नहीं, लेकिन उन बच्चों की माँ है वो। तो जब तक गुलाम हैदर नहीं आता तो उसके पास रहे, उसमें हमें क्या अतराज है। और जैसे वो आने वाला होगा हम लेंगे उनसे। बस ये हमने सीमा को भी कई बार इस बात को कहा कि अपने बच्चों का सिक्योरिटी का, खासकर खासकर बेटियों का ध्यान रखा कर, कि आजकल जमाना जो है वो ठीक नहीं है और वही लोग गड़बड़ करते हैं जिन पे भरोसा किया जाता है। ये हमने कई बार बोला उसको, ताकि वो अपने बच्चों की देखरेख करे। और मैं समझता हूँ एक माँ जो है इस बारे में जागरूक होती है और उसको होना भी चाहिए। और सर, ये जो पांचवा बच्चा जो आने वाला है, सचिन का जो बच्चा आने वाला है सर, इसका इसका क्या होगा हमारे देश में रोल? देखिए आपको बता दूं कि इस, पहली बात तो ये अफवाह है या सच है झूठ है इस बात का मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे सामने कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। अगर कोर्ट में आएगी या कोई सामने कोई चीज आएगी तो उसके बाद इस पे विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर हम एक चीज मान के चल रहे हैं कि अगर ऐसा है भी तो ये हमारे केस को और मजबूत करता है, क्योंकि अगर इसको सचिन का, इसको जो है इलीगल, हमने जो कोर्ट में केस डाला है अमिता जी, उसके अंदर हमने बाकायदा इस लाइन को पहले एडवांस में लिखा है कि इस इलीगल रिलेशन से जो भी औलाद पैदा होगी सचिन और सीमा की, इलीगल जो साथ में रहते हैं, इलीगल एक साथ रहने से जो इलीगल पीरियड से जो कोहिबिशन से जो औलाद पैदा होगी वो औलाद इलीगल होगी और वो औलाद इलिजिमेट होगी, वो जो है नाजायज बच्चा कहलाएगी। ये हमने केस के अंदर लिखी हुई है ये बात, और वो होगी भी जब तक डिवोर्स नहीं होगा और शादी नहीं होगी, और वो कोई ऐसी औलाद हो जाती है तो इलिजिमेट होती है वो बच्चा। तो पूरी जिंदगी इनको, इनके लिए जो है एक ना एक एक तरह से जब वो बड़ा होगा तो इनसे क्वेश्चन करेगा कि मुझे नाजायज क्यों पैदा किया, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो कानून की नजरों में, क्योंकि कानून की नजर में वो इलिजिमेट होगा, उसको प्रॉपर्टी के राइट अपने फादर इसकी सचिन के होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि उसको राइट होंगे, जी लेकिन वो एलिजिबल होगा। लेकिन हमारा काम जो है लीगल रूप से और आसान हो जाएगा, क्योंकि हम इस ग्राउंड को भी ऐड कर सकते हैं उस टाइम पे जब बच्चे की कस्टडी को हम, अगर कोई चैलेंज कर, वो हो जाती है हमें मिलेगी कि जनाब देखिए इसने इलीगल शादी की और उस इलीगल के खिलाफ हमने केस फाइल किया, उसके अंदर हमने लिख दिया था कि अगर कोई औलाद पैदा होगी तो नाजायज पैदा होगी और वो नाजायज पैदा हो चुकी है, तो लिहाजा इनकी अपनी औलाद एक नाजायज पैदा हो चुकी है इस पीरियड से, तो अब हमारे जो हम बायोलॉजिकल फादर है हमारे बच्चों को हमें दिया जाए, वो हमारे लिए एक सॉलिड ग्राउंड है, वो हमारे लिए एक मजबूत है, हमारा केस और मजबूत हुआ है, होता है ऐसे। और सीमा का तो क्वेश्चन है ही नहीं, हमारी लड़ाई सीमा के लिए नहीं है, सीमा को तो हमने कहा है कि एक बार तो जरूर जेल कराएंगे, जो ऑफेंस किया है उसके लिए हम इसको जेल जरूर कराएंगे, उसके बाद सरकार इसको भारत में रखे या इसको डिपोर्ट करे ये सरकार का फैसला है, लेकिन हम एक बार इसको जेल करा करके सजा कराएंगे,
ये हमारा मोटिव है। और बच्चों को गुलाम हैदर को दिलवाएंगे, इसके अलावा हमारा सीमा हैदर को लेने का कोई भी मोटिव नहीं है। सीमा हैदर को हमें ना चाहिए, ना सीमा हैदर की हमारे क्लाइंट को जरूरत है, और हमें ना उसके कोई लेना देना नहीं है किसी भी प्रकार से, ना हमारा उसपे कोई क्लेम है। हमारा क्लेम बच्चों के ऊपर है और बच्चों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और इसने जो गलत किया है इसको जेल कराने की, ये दो हमारे जो ग्राउंड्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम जो है मेहनत कर रहे हैं और जिनके लिए हमने केस डाले इतने सारे, और वो ग्राउंड्स को बना है, और अब जल्दी हम इसकी कैंसलेशन ऑफ बेल भी डालने जा रहे हैं, और वो उम्मीद है कि उस पर जल्दी सुनवाई आ जाएगी, अगले महीने में सुनवाई आ जाएगी।